नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मम्मल बॉन्साई में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों इस बार हमने ज़्यादा एयर लेयरिंग नहीं की, एक्चुअली मैंने जो है फाइकस पे और जो कैजुरन है सिर्फ उस पे एयर लेयरिंग की थी। आज जो है मैं एक नए प्लान पर एयर लेयरिंग करूंगा जिसपे मैंने पहले कभी एयर लेयरिंग नहीं की है। काफ़ी डिमांड रहती थी पपीता के पेड़ की, तो अभी मेरे पास जो है काफ़ी जो पपीता के ट्री है जो कि बैक साइड है मेरे, अभी आपको दिखाऊंगा, वहाँ पे एक पपीता है जिसमें कुछ ब्रांचें नई ग्रो कर रही है, तो हम उस पर जो है एयर लेयरिंग करेंगे और वो मैं आपको रिजल्ट के साथ जो है इसी वीडियो में दिखाऊंगा। तो उस पर एयर लेयरिंग करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की जरूरत होगी पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपके पास एक जो है कोकोपीट जो है वो होना चाहिए। आप कोकोपीट की जगह पे कोई आपके पास ऐसा सोइल है जिसमें हल्की नमी है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोकोपीट बेस्ट है इसके लिए। अगर आपके पास मॉस है स्पंज मॉस तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं जो है कोकोपीट का पैकेट है ये यूज़ करूँगा, और ये कोकोपीट है इसके अंदर पहले से ही नमी है तो मुझे अलग से इसके अंदर पानी देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, एक आपके पास नाइफ होना चाहिए जो ब्रांच है उसको हम कट करेंगे उसके लिए। ये जो एयर लेयरिंग है, ये जो बाकी एयर लेयरिंग हम करते हैं उससे अलग है, तो एक नाइफ होना चाहिए। उसके बाद एक रस्सी होनी चाहिए आपको इसको अच्छे से टाइट करने के लिए, तो एक इस तरह की प्लास्टिक की रस्सी ले सकते हैं, कोई धागा वगैरह आप ले सकते हैं। और उसके बाद एक सीजर ले लें धागे वगैरह को काटने के लिए। तो चलिए जो प्लांट है हमारा उस साइड चलते हैं और आपको उस पे एयर लेयरिंग करके दिखाता हूँ। ओके दोस्तों, तो ये जो ब्रांच है ये पपीता पे एक नई ब्रांच ग्रो कर रही है, इस पर ही जो है हम एयर लेयरिंग करके आपको दिखाएंगे अभी। तो इसके लिए हमें क्या है, इसकी जो ये हिस्सा है यहाँ पे हम इसको एयर लेयरिंग करेंगे, और इसमें अगर आप ऊपर देखें तो फ्रूट भी जो है वो लग रहा है, अभी आपको दिखाता हूँ मैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फ्रूट है वो भी इस पर लगा हुआ है, तो इस पे हम यहाँ पे एयर लेयरिंग करेंगे। दोस्तों सबसे पहला जो प्रोसीजर है वो हमारी ये कि इस पे कट लगाना। अब देखिए इस पे जो कट है, पहले हम जो एयर लेयरिंग करते थे उसके चारों तरफ कट लगाते थे, इसमें ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि इसमें चारों तरफ कट लगाएंगे तो जो आपका जो ये ब्रांच है ये सूख जाएगा। इसलिए आपको क्या करना होगा, इसको सिर्फ एक साइड कट लगाना है। देखिए कैसे, तो यहाँ पे हम इस साइड कट लगाएंगे। इस साइड क्या है, इस साइड तो जो स्पेस है वो कम है, तो इस साइड हम कट लगाते हैं, और इसमें क्या है एक कट लगेगा वो भी तिरछा। तो इसको देखिए इस तरह से पकड़ेंगे यहाँ पे, और हल्का सा जो है इस तरह से हम कट लगाएंगे, इसमें केयरफुली लगाएं। ज़्यादा कट लगाएंगे तो क्या होगा, आपका जो कट है वो ज़्यादा लग गया तो जो ऊपर का हिस्सा है वो सूख जाएगा, तो आपसे भी आपको कम जो कट है इसमें लगाना है। दोस्तों कट हमने लगा दिया है। दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा इसमें जो स्पेस है वो बन गया है। अब जो कोकोपीट है उसको हम यहाँ पे लगाएंगे। अब देखिए जो कोकोपीट हमने लिया है इसमें क्या करना होगा, हम एक यहाँ पे इस तरह से कट लगा देंगे और वो हिस्सा यहाँ पे लगा के इसको बांध देंगे। तो केयरफुली मैं यहाँ पे एक कट लगा लेता हूँ नाइफ से ही, मेरे पास सीजर है तो सीजर से मैं यहाँ पे एक कट लगा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कट लग चुका है, और जो कोकोपीट है वो अब दिखने लगा है। तो हमें सिर्फ इतना ही इसको निकालना है कि जो कट है उसमें जो कोकोपीट है वो चला जाए। जो ये कट वाला हिस्सा है ये हमें इस जगह पे लगाना है। देखिए यहाँ पे कट लगा हुआ है, गौर से देखिएगा। और इस कट पे जो है मैं आपको थोड़ा नज़दीक से एक बार दिखा देता हूँ, और इस कट पे हमें जो है इसको इस तरह से लगा देना है। चलिए दिखाता हूँ कैसे। इसको हम इस तरह से यहीं पे बांध देंगे इसको टाइटली। ये ध्यान रखिए कि जो कट हमने लगाया है उस पर जो आपका जो कोकोपीट है वो जरूर जाए। मैं इसको यहाँ पे बांध देता हूँ टाइटली, बांधना है आपको इस तरह। दोस्तों ये एयर लेयरिंग वैसे तो इजी है, इसके अंदर ज़्यादा मेहनत तो नहीं करनी होती आपको, सिर्फ एक हल्का सा कट लगाना है, लेकिन सारा खेल जो है इसमें जो इस कट का ही है। अगर कट आपने ठीक नहीं लगाया, ज़्यादा कट लगा दिया तो ये सड़ भी सकती है। तो ये देखिए हमने एयर लेयरिंग जो है वो कर दी है। कुछ दिन बाद क्या होगा, इसके यहाँ पे जो रूट्स है वो आ जाएगी। दोस्तों कुछ दिन पहले जो है मैंने इसी ट्री पे जो है एक एयर लेयरिंग और की थी जो इस एयर लेयरिंग से जस्ट नीचे है, वो आपको दिखाता हूँ और उसका रिजल्ट दिखाता हूँ। कुछ दिन बाद जो हमने आज की है उस पर भी वैसे ही जड़ें आ जाएंगी, तो चलिए उसका रिजल्ट देखते हैं। आज जो है हमने यहाँ पे एयर लेयरिंग की है, और इससे जस्ट नीचे देखिए ये वाला जो ट्री है, ये वाला
ब्रांच इस पे देखिए, क्लियरिंग हमने बाद में की, पहले की थी वो है। इसका रिजल्ट देखिए आप, इस पे देखिए आपको रूट्स जो है यहाँ पे दिख रही होगी, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। अब देखिए आपको यहाँ पे रूट्स दिख रही होगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ढेर सारी रूट्स है। चलिए इसको आज निकाल लेते हैं, इसको एक पॉट में शिफ्ट करते हैं। तो इसको हम नाइफ से कट कर लेते हैं, अब इसको तोड़ लेते हैं, आराम से टूट जाएगा ये। ये देखिए ये एक प्लांट जो हमने तैयार कर दिया है पपीता का, और इस पे देखिए पपीता भी लगे हुए हैं। ओ दोस्तों, तो ये जो प्लांट है हमने स्पेयर लेयरिंग की थी, देखिए इसके इस साइड जो है हमने जो कोकोपीट है वो नहीं लगाया, सिर्फ एक साइड लगाया था, और एक साइड इसमें रूट्स आ रही है। तो और इसमें देखिए फ्रूट भी लगे हुए हैं। तो इसकी कुछ पत्तियाँ जो है वो मैं कम कर देता हूँ पहले, तो अब ठीक है। अब जो हमारा ये जो पोर्शन है इसका, इसको निकालते हैं और देखते हैं रिजल्ट कैसा है। तो ये देखिए इसकी जो रस्सी है इसको कट करते हैं पहले। तो दोस्तों देखिए इसकी जो पॉलीथीन है इसको हम रिमूव करते हैं, बहुत ही केयरफुली करना होगा क्योंकि इसकी जो रूट्स है बहुत ही कच्ची कच्ची है, तो टूट सकती है। और जो कोकोपीट है वो हमारा बिखरेगा भी, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको केयरफुली निकालते हैं। ये देखिए तो दोस्तों आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं। देखिए तो अभी जो है मैं इसको एक छोटे से पॉट के अंदर ही पॉट कर रहा हूँ 8 इंची के। तो इस तरह का एक पॉट मैं ले लेता हूँ और इसके अंदर हम इसको लगाएंगे। तो पहले इसमें थोड़ा सोइल ऐड कर लेते हैं। सोइल हमने इसमें ऐड कर लिया है। अब जो पपीता है इसको लगाएंगे, देखिए इस तरह से। अब इसके अंदर जो बाकी सोइल है वो ऐड कर देंगे। दोस्तों मैंने जो जिस पे एयर लेयरिंग की है ये ब्रांच काफ़ी बड़ी हो गई थी, तो आप कोशिश कीजिए कि छोटी ब्रांच पर जो है एयर लेयरिंग करें। और ये जो ब्रांच है ये जो थोड़ी सी जो है टेढ़ी है, सीधी नहीं है, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। और दोस्तों जो प्लांट है वो देखिए हमने लगा दिया है, और इसके अंदर फ्रूट जो है देखिए एक पॉट के अंदर जो है इसमें फ्रूट लगे हुए हैं। कितना अच्छा प्लांट हमारा तैयार कर दिया हमने। चलिए अब इसको जो है वॉटरिंग कर देता हूँ मैं, और इसको जो है थोड़ा शेडी एरिया पे रखूंगा जब तक इसकी ग्रोथ स्टार्ट नहीं हो जाती तब तक। तो इसमें अभी मैं वॉटरिंग कर देता हूँ। देखिए एयर लेयरिंग का जो अच्छा रिजल्ट है वो क्या है, रेनी सीजन में आता है, तो अभी भी मौसम है, अगर आप चाहें तो इस टाइम पे भी जो एयर लेयरिंग है वो कर सकते हैं। ग्रीन हाउस के अंदर जो अंगूर की बेल है उसकी वजह से छाया रहती है, तो वहां पे मैं इसको रख देता हूँ। इसकी मोस्टली जो लीव्स है वो मैंने निकाल दिए क्योंकि काफ़ी लीव्स थी, और वैसे तो इसके जो फ्रूट्स है वो भी हमें निकाल देने चाहिए। इसी तरह से जो है हम पॉट्स के अंदर जो है पपीता लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़ी बड़ी पपीता जो हमें पॉट्स में मिल जाएगी। बाद में हम इसको जो है टाइम टू टाइम जो है फर्टिलाइजर देंगे, तभी जो फ्रूट है वो बड़े हो पाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर किया करें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।